to try and here, blend in. Now I'm gonna go ahead and add foundation. I really hope this doesn't make me look ashy. So it's blended in pretty well. Here I am with my full face on. You can't even tell that I put white concealer on, but I love how it looks. Comment and let me know what you guys think. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। वीडियोस आप लोगों ने देख ली, तो ये हैक आज हम ट्राई करने जा रहे हैं। सो कंसीलर के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इस हैक का एक प्लस पॉइंट ये है ना कि अगर आपकी फाउंडेशन डार्क है, ठीक है, आपकी स्किन टोन से डार्क है, तो हो सकता है कि वाइट कंसीलर नीचे लगाने से आपकी स्किन के साथ मैच करे। तो हम आज ये देखेंगे कि ये हैक काम करता है या नहीं करता। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप भी मेरी तरह एडिक्टेड हो, ये टिकटॉक के हैक्स ट्राई करते हो, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई और हैक आपने ट्राई करवाना है। तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी एल ए गर्ल का प्रो कंसील, मतलब एच डी हाई डेफिनेशन कंसीलर इन शेड हाईलाइट। ये बिल्कुल प्लेन वाइट शेड में है। फिर फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी हूँ एल ए गर्ल का प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड एंड नॉर्मल स्किन। इसमें शेड है पोर्सलीन। बहुत सारी लड़कियाँ पूछेंगी आपने स्किन पे क्या अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारा ग्लो आ रहा है। अच्छा, जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड होती है, ऐसे जैसे डैंड्रफ गिर रहा होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ इजिप्शियन मैजिक क्रीम। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट जार जो है वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट से मुराद आप इसको ज़ख्म पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसको स्कार्स पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसको स्ट्रेच मार्क्स पर अप्लाई कर सकते हो, आप इसको बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर उनको रैशेस वगैरह हो जाए उसको उन पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको फेस पे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, हाथों पैरों पर यूज़ कर सकते हो, हैंड एंड फुट क्रीम की तरह। लाइक मैं बयान नहीं कर सकती कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं और कितने कितने तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है। मज़े की बात यह है कि इसको आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपने लेना है इस तरह से, ठीक है, एंड जेंटली पाम में अप्लाई करना है, इस तरह से रब करना है, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी है ताकि ये इस तरह से हो जाए। फिर आप इसको फेस पर अप्लाई करोगे, मेकअप किया तो अच्छे से रिमूव हो जाता है मेकअप। एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, लाइक रिकमेंडेड मेरी तरफ से इफ़ यू वॉन्ट टू बाई, ठीक है। अब मैंने इसको मैं इसको इसी तरह से यूज़ करती हूँ, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे पोर्स वगैरह क्लॉग नहीं होते, कोई पिंपल वगैरह नहीं निकलते। जब मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ ना, तब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। वैसे एलोवेरा जेल सजेस्ट किया जाता है कि आप अप्लाई करो और फिर फेशियल हेयर जो है रिमूव करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन पे जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, जब इसको आप अप्लाई करते हो ना और फिर आप अपने फेशियल हेयर रेजर की मदद से रिमूव करते हो, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, पिंपल्स बम्प्स नहीं निकलते। वैसे तो अमूमन जब मैं एलोवेरा लगाती थी तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरे फेस पे कुछ रिएक्शन हो जाता था, इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड, मैंने लेज़र कराया है, लेज़र कराने के बाद आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग नहीं कर सकते फेस की, अगर छोटे मोटे बाल निकल आते हैं तो उसको रेज़र से रिमूव करना पड़ता है, इसीलिए मैं रेज़र की बात कर रही हूँ। अगर आप रेज़र नहीं यूज़ करते तो गेट इट, मत यूज़ करें। तो मैं फटाफट प्राइमर यूज़ कर लूँगी, ठीक है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद फाउंडेशन। कंसीलर के लिए मैं एल ए गर्ल का प्रो कंसील एच डी हाई डेफिनेशन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आपको ये आराम से vegas.pk से मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है ये। vegas.pk वाहिद एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको अफोर्डेबल और येट इंटरनेशनल येट ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइक एवरीथिंग आपको एक ही वेबसाइट से मिलेगा। इवन परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पे। ऑफिशियल पार्टनर्स हैं निक्स, मेबलिन एंड लॉरियल के, तो मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी। ये बिल्कुल मेरी कमीज के साथ मैचिंग हो रहा है मेरे हेयर बैंड के साथ। अच्छा, तो हमने अच्छे से कंसीलर अप्लाई करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। बेचारे कंसीलर की गैस निकल गया, खुश तो बहुत हो गई तुम। थंबनेल की पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा जी, तो डैम्प स्पंज का इंतज़ाम कर रही हूँ मैं। डैम्प स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको जल्दी जल्दी से। इस हैक से आपका कंसीलर क्रीज नहीं करता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। और मज़े की बात यह है कि अगर आप लाइट फाउंडेशन लगाते हो तो आपकी अंडर आइज़ जो है वो सुपर डुपर हाईलाइटेड और ब्राइट नज़र आती हैं।
कलर है ना ये बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये कलर पैलेट में से प्योर वाइट शेड जो है ना नीचे यहाँ ऐड कर रही हूँ। ठीक, ये ब्रशेज याद है किसी ज़माने में बड़े पॉपुलर थे। एक वाइट कंसीलर का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास फाउंडेशन डार्क है तो उस कंसीलर को आप उसमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। आपको wigs.pk से आराम से मिल जानी है तमाम चीज़ें। अब बारी है फाउंडेशन की। एले गर्ल का प्रो HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन इन शेड पोर्सलीन। ये थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन से, लेकिन हम इसको अप्लाई करेंगे इसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अच्छा जी, तो अब इस फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड मेरी तरफ से फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन। बहुत सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, बहुत ही खूबसूरत ल्यूमिनस इफेक्ट प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो फाउंडेशन की कवरेज बहुत 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 अच्छी है, लाइक इवन वो वाइट कंसीलर को इसने अच्छे से कवर अप कर लिया है। सो रिकमेंडेड। इस मेकअप स्पंज के साथ आपकी फाउंडेशन इतनी खूबसूरती से ब्लेंड होती है, लाइक द कवरेज इज इनसेन। ठीक है, वरना तो बाकी ब्यूटी ब्लेंडर्स फाउंडेशन जो है वो चूस जाते हैं। फाउंडेशन थोड़ी सी येलो अंडरटोन में है, लेकिन जब मेरा मेकअप फुल हो जाएगा ना फिर बिल्कुल सेट लगेगी। मैं पूरा मेकअप करके आती हूँ। आई लव द फैक्ट कि कैसे मेरी अंडर आईज जो है बिल्कुल कंसील हो चुकी हैं, मुझे कोई कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो डू ट्राई, हो सकता है कि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो ऐशी नज़र ना आए, क्योंकि जब आप फाउंडेशन नीचे लगाते हो और ऊपर कंसीलर लगाते हो तो अक्सर 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 अंडर आइज जो है वो बहुत डार्क और शेडी और अजीब से ग्रे ग्रे नज़र आते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस इसका क्या हाल। अच्छा जी, तो मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। ब्लश, मस्कारा, ठीक है, लिपस्टिक एंड आईब्रो, और अंडर आइज को मैंने पाउडर से सेट कर लिया था थ्रू आउट, मतलब पूरा फेस मैंने नहीं सेट किया पाउडर से। सो मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट एंड कैन यू सी मेरी अंडर आइज कितनी हाईलाइटेड और ज़बरदस्त लग रही हैं। आप भी ये हैक यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको किसी कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही यूज़ करें एंड दैट्स इट। लाइक आई एम इन लव राइट नाउ। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एंड सबसे मज़े की बात मुझे इसकी ये लगी है कि जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं ना, ज़्यादा ब्राइट कंसीलर हो तो ये यूं करके एक लाइन नज़र आ रही होती है, तो इसमें वो लाइन नहीं नज़र आ रही क्योंकि ऑन टॉप हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। लाइक आई लव 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 दिस हैक, डू ट्राई दिस एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं। एंड दोनों चीज़ें जो है ना आपको wigs.pk से मिलेगी, इवन आपको इजिप्शियन मैजिक क्रीम भी wigs.pk से मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है, डू चेक देम आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर और हैक्स हैं तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई दैट आपके लिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्यों मेरा मुंह इतना गोभी जितना बड़ा लग रहा है, लाइक बहुत ही फूला हुआ लग रहा है आज, जो भी। ओए होए 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 आहा ओहो आई लव दिस हैक, डू ट्राई, यू विल लव इट टू।